नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मिशन 2022 के तहत जेपी नड्डा का यूपी दौरा, दौरे के अंतिम दिन आगरा में संगठनात्मक बैठक को किया संबोधित, कहा ब्रज से ही निकलेगा जीत का रास्ता। मुख्यमंत्री योगी ने आगरा में डॉक्टर सम्मेलन में की शिरकत, डॉक्टर्स को बताया असल मायनों में कोरोना वॉरियर्स, सीएम ने किया कोरोना वॉरियर्स का सम्मान। यूपी में बाढ़ का कहर, पूर्वांचल में उफान पर नदियां, कई गांवों का संपर्क टूटने के साथ स्कूल कॉलेजों में घुसा पानी, जालौन में सेना ने संभाला मोर्चा। यूपी के मऊ में रफ्तार का कहर, सड़क किनारे बने गड्ढे में फंसकर पलटी कार, हादसे में 5 की मौत, 2 घायल। यूपी पुलिस अपराधियों के खिलाफ एक्शन में, कन्नौज और जौनपुर में मुठभेड़ के बाद 4 बदमाश किए गिरफ्तार, एक बदमाश 25,000 इनामी, तो हापुड़ में भी लंबे समय से फरार बदमाश को दबोचा। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने यूपी दौरे के अंतिम दिन आगरा दौरे पर रहे। आगरा पहुंचने पर उनका जबरदस्त स्वागत भी किया गया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। नड्डा ने फतेहाबाद रोड स्थित एक निजी होटल में भाजपा ब्रज क्षेत्र की बैठक ली। इसमें 19 जिलों के पदाधिकारी शामिल हुए। जेपी नड्डा ने सबसे पहले पदाधिकारियों से संवाद किया, इसके बाद ब्रज क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के कामों की समीक्षा की। उन्होंने 2022 में फिर से बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा कि ब्रज से ही जीत का रास्ता निकलेगा। बैठक में ब्रज क्षेत्र में 38 से अधिक पदाधिकारी शामिल हुए। इसके बाद जेपी नड्डा ने डॉक्टर्स के एक सम्मेलन में शिरकत की और कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया। आप सब लोग बधाई के भी पात्र हैं, शाबाशी के भी पात्र हैं। आप लोगों ने मानवता की जो सेवा की है उसको कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, उसकी कोई शाबाशी नहीं दे सकता। मन का संतोष ही सबसे बड़ी शाबाशी होगी, क्योंकि जिस तरीके से आप काम में जुटते हैं इसका एहसास बहुत कम लोग कर सकते हैं। आपको खुद ही एहसास करके मन को खुशी लेनी पड़ेगी, यह मैं जरूर कहना चाहता हूं। बाहर वाला क्या जाने पीपी किट होता क्या है, बाहर वाला क्या जाने कि मुस्कुराने वाले डॉक्टर अंदर से तरोतर है, पसीने से तर हो गया, 5 घंटे से खड़ा है, जीवन और मौत से जूझने वाले के जीवन दान देने का काम कर रहा है, ये डॉक्टर है, इसको हमको समझना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा में डॉक्टर्स के सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर्स को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर्स सही मायनों में कोरोना वॉरियर्स हैं। सीएम ने कहा कि कोरोना काल में डॉक्टर्स ने पूरी शिद्दत से काम किया। योगी ने कहा कि प्रदेश में कोरोना से लड़ाई को लेकर पूरी तैयारियां हैं। इस दौरान सीएम ने कोरोना वॉरियर्स का सम्मान भी किया। वहीं इस दौरान डॉक्टर्स ने भी सीएम का आभार जताते हुए अपने अनुभव साझा किए।
एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस से उन मरीजों को सफदरजंग दिल्ली भेजना पड़ा था और वे बाद में सुरक्षित उनको उपचार करके घरों तक उनका पहुंचाने का कार्य हुआ था। और भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से, भारत सरकार के सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित कर चुका है। 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन। आज हमारे पास 2 लाख L1, L2 और L3 फैसिलिटी के बेड्स मौजूद हैं, जिसके माध्यम से हम कोरोना के या किसी भी इस प्रकार की आपदा में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं। मुझे याद है जब कोरोना की आहट हुई, हमसे कहा गया कि कितने ऐसे जनपद हैं जहां पर आपके पास आईसीयू की सुविधा होगी, कितने में नहीं है, तो 75 में से 36 ऐसे जनपद थे जहां पे एक भी आईसीयू का बेड नहीं था। और आज हर एक जनपद में हमारे पास लगभग 100 आईसीयू के बेड्स मौजूद हैं। और अगर मैं L1, L2, L3 की फैसिलिटी की सुविधा की बात करता हूं, तो हमारे पास ये संख्या बढ़कर के 2 लाख बेड्स होती हैं। और केवल द्वितीय लहर को ही नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि तीसरी लहर की आहट के बीच में भी हम लोगों ने उसकी पहले से तैयारी कर ली है कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी व्यक्ति को चिकित्सा के अभाव में इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के और यशस्वी नेतृत्व के कारण ही उत्तर प्रदेश के अंदर संभव हो पाया है। जैसे कि डॉक्टरों ने कोरोना काल में कोरोना वॉरियर का काम किया है और अपनी जान को खतरे में डालते हुए उनका इलाज किया है, वैक्सीनेशन कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए उनका सम्मान किया गया है। कैसा महसूस कर रहे हैं जेपी नड्डा द्वारा सम्मानित? मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि उन्होंने इतने सारे डॉक्टर्स को एक साथ बुलाकर सम्मानित किया। हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में आए और साथ ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हमारे बीच में आए और उन्होंने सारे डॉक्टर्स को, वो सारे डॉक्टर्स जिन्होंने कि कोविड काल में पूरी मेहनत और जी जान लगाकर कोविड के मरीजों को बचाया, उनके प्रति आज न सिर्फ कृतज्ञता व्यक्त की, साथ ही सभी का उत्साहवर्धन किया, जो कि हमें आगे और प्रेरित करेगा बेहतर से बेहतरीन कार्य करने के लिए। यूपी के बिजनौर में अज्ञात बदमाशों ने डेरे की रखवाली कर रहे चौकीदार की निर्मम हत्या कर दी। इस दौरान बदमाशों ने हाथ पैर बांधकर चौकीदार से मारपीट की, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से साक्ष्य जुटाए गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के लखीमपुर खीरी में ब्लड बैंक बना शराबियों का अड्डा। ब्लड बैंक में शराब पार्टी होती थी। आपको बता दें कि ब्लड बैंक में शराब पार्टी का वीडियो वायरल हुआ है। ब्लैक, आपको बता दे, बैंक कर्मी का ये बताया जा रहा है। वायरल वीडियो जिला अस्पताल के ब्लड बैंक का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। यूपी के बिजनौर में बदमाशों का आतंक लगातार जारी है। आपको बता दें कि 2 बदमाशों ने चलती बाइक पर खींची महिला के कान की बाली। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। बाइक से गिरने के बाद महिला की मौत हो गई। हसनपुर निवासी संगीता की इसमें मौत हो गई। मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। गाजियाबाद थाना मधुबन बापूधाम और साइबर सेल ने संयुक्त कार्रवाई ठगी करने वाले बदमाशों को धरा है। आपको बता दें, इस टीम ने फर्जी आईडी बनवाकर उनकी आईडी से एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड जारी करके ठगी करने वाले गिरोह को पकड़ा है। पुलिस टीम ने ऐसे 4 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 5,02,000 रूपये, कार, कई बैंकों के 23 एटीएम, 5 चेकबुक उपयोग किए, 7 मोबाइल बरामद किए। साथ ही ठगी के पैसे से, आपको बता दें, 3 मोबाइल भी खरीदे, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बरामद किए गए।
यूपी के सुल्तानपुर में चाकू से गोद कर एक युवक की हत्या कर दी गई। घटना हाजीपट्टी गांव की है, जहां अब्दुल नबी खान नाम के युवक की हत्या कर दी गई। साथ ही अब्दुल के भाई और मां को भी घायल कर दिया गया। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। यूपी के रायबरेली में फांसी के फंदे पर लटका मिला लड़की का शव। संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि घटना के समय खेत पर काम करने माता पिता गए हुए थे। बालिका की मौत के बाद घर में मातम पसरा हुआ है। कारणों का पता लगाने में पुलिस जुट चुकी है। कोतवाली क्षेत्र के कोलवा गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। यूपी के मऊ में सोनबरसा गांव के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में कार सवार तीन मासूम बच्चों समेत पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दो लोग घायल भी हो गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि हादसे के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। जानकारी के मुताबिक सोनबरसा गांव के पास सड़क किनारे बने गड्ढे में फंसकर कार पलट गई। कार सवार सभी लोग चौरी चौरा थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव के थे। दो मधुबन अपने रिश्तेदार के यहां जा रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रही थी। ये रहने वाले बेसिकली चौरी चौरा गोरखपुर के थे, तो रास्ते में एक दुर्घटना घटी। ये गाड़ी इसमें सात एक परिवार के सात लोग थे, इसमें चार पांच बच्चे भी थे। तो ये सड़क के किनारे किसी तरह से इस गाड़ी का गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई। इसमें पांच लोगों की डेथ हो गई, दो लोग बचे हैं। इसमें बच्चे भी थे, एक महिला और चार बच्चे शामिल हैं, उनकी डेथ हो गई। यूपी के कन्नौज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। आपको बता दें जिसमें एक बदमाश घायल हो गया, जबकि पुलिस ने तीन बदमाशों को धर दबोचा है। जानकारी के मुताबिक सिकंदपुर चौकी क्षेत्र में व्यापारी के घर डकैती करने और व्यापारी के पुत्र पर फायरिंग करने के आरोपियों की पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ हो गई, जिसमें गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। फिलहाल घायल का इलाज जारी है। जौनपुर की खुटन थाना पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अभियुक्त पर दो दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं। पुलिस को लंबे समय से अभियुक्त की तलाशी थी। नाकाबंदी अभियान के दौरान पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस दौरान अभियुक्त ने पुलिस पर भी फायरिंग की। इस दौरान जवाबी फायरिंग में अभियुक्त गोली लगने से भी घायल हो गया, जहां से उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अभियुक्त ओम प्रकाश पांडे व्यापारियों को धमका कर वसूली करता था। व्यापारी भी लगातार इसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। हापुड़ की सिंभावली पुलिस ने लंबे समय से मामले में फरार चल रहे अभियुक्त को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने सुरेश पुत्र दयाचंद को गिरफ्तार किया है। सिंभावली थाना अध्यक्ष राजपाल सिंह तोमर के मुताबिक अभियुक्त सुरेश लंबे समय से फरार था। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस ने अभियुक्त को वैधानिक कार्रवाई कर कोर्ट में पेश किया। साथ ही आपको बता दें कि हापुड़ एसपी के निर्देशन में जिले में लगातार वांछित बदमाशों को पकड़ने का अभियान चलाया जा रहा है।
गोरखपुर रेलवे जोन की पुलिस उपाधीक्षक ने बहराइच के राजकीय रेलवे थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाने में अभिलेखों के रखरखाव और कामकाज का जायजा लिया। वहीं पुलिस कर्मचारियों को समस्या को सुन उनके निदान पर भी चर्चा की। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह को लेकर भी सुरक्षा को देखते हुए दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा स्टेशन पर सख्ती बढ़ाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सघन चेकिंग अभियान चलाने की भी बात कही। आज थाना जीआरपी बहराइच में मैं आई हूँ। इनका अर्धवार्षिक निरीक्षण करने की दृष्टि से मेरा यहाँ आगमन हुआ। थाने के रखरखाव, अभिलेखों का मैन मैनेजमेंट और एसओ की वर्किंग, इन सब को देखना मेरा प्रमुख उद्देश्य था। तो इन सब में अगर मैं मार्किंग करूँ तो काफ़ी अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा है राघवेंद्र जी का। आई एम रियली वेरी हैप्पी टू सी। हमने कर्मचारियों का एक सम्मेलन किया, उनकी समस्याएं जाननी चाहिए और उनके जो सुझाव थे वो जानना चाहा। हमारे पास आरपीएफ के ऑफिसर्स भी बैठे हुए हैं, तो हमने ये भी जानना कि यहाँ पे नेपाल बॉर्डर की सेंसिटिविटी के दृष्टिगत आरपीएफ और जीआरपी कैसे समन्वय बना के कार्य कर रही है। एंड जो कुल मिला के मुझे यहाँ का परफॉर्मेंस संतोषजनक से अच्छा लगा। यूपी के गोंडा में स्थित तरबगंज में घाघरा नदी का तांडव जारी है। घाघरा नदी के कारण अली माझा सरकारी स्कूल की बिल्डिंग ढह गई। वहीं इस क्षेत्र में करीब 10 घर कट चुके हैं। नदी के जलस्तर बढ़ने के साथ कई जगहों पर कटाव आ गए हैं। ऐसे में लोगों में दहशत का माहौल है। खबर यूपी के जालौन से है, जहां रामपुरा ब्लॉक के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में प्रसव पीड़ा से जूझ रही महिला को प्रशासन ने रेस्क्यू कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। उप जिलाधिकारी सालिक राम ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना मिली कि सिद्धपुरा में महिला साधना प्रसव पीड़ा से जूझ रही है, जिस पर एसडीएम, सीओ और ग्राम प्रधान ने मौके पर पहुंचकर महिला को आर्मी वालों के साथ स्ट्रीमर के द्वारा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती भी करवाया, जहां पर महिला ने एक पुत्री को जन्म दिया। प्रशासन की पहल का ग्रामीणों ने स्वागत किया। जालौन के बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। सेना बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य और रसद पहुंचाने के काम में जुटी हुई है। वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर से बाढ़ से प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचाई जा रही है। कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। पुलिस लाइन उरई से जुड़े हेलीकॉप्टर से कालपी तहसील के 5 गांवों में खाद्य सामग्री पहुंचाई गई। इसके अलावा इन इलाकों में दवाइयां भी पहुंचाई जा रही हैं। यूपी में वृंदावन के एक अस्पताल में कोरोना मरीज की मौत के बाद उसके गहने गायब करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतका के पति ने अस्पताल के एक डॉक्टर सहित 6 लोगों के खिलाफ कोतवाली में केस दर्ज कराया है। पीड़ित दिनेश शर्मा ने बताया कि पत्नी कुसुम शर्मा के ब्रिज हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर के कोविड वार्ड में 16 मई को भर्ती कराया था, जिसका इलाज 5 जून तक चला। 5 जून की शाम को वह अपनी पत्नी से मिला। पत्नी से मिलने के बाद वह अपने घर वापस आ गया। इसके बाद पत्नी की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिली। वह अस्पताल पहुंचा तो पत्नी की मौत हो चुकी थी। वहीं अस्पताल प्रशासन ने शव को पीपीई किट में पैक कर दिया। शव के अंतिम संस्कार के बाद जेवरात गायब होने का पता लगा। पीड़ित ने अस्पताल प्रशासन से पूछताछ की, लेकिन मामला में आपको बता दें टाल मटोल किया जा रहा था। साथ ही पुलिस महकमे में भी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर अब वृंदावन कोतवाली में FIR दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एक कोविड मरीज के साथ सामान गायब हुआ, चोरी हुआ है, और ब्रज हेल्थ केयर के चिकित्सक एवं उनके स्टाफ के साथ नाम लिखा गया उसमें। कितने लोगों के खिलाफ है? लगभग 7 लोगों।
अयोध्या में इस बार भी दीपोत्सव बेहद खास तरीके से मनाने की तैयारी है। इस बार दीपोत्सव एक सप्ताह तक मनाने की तैयारी चल रही है। योगी सरकार अयोध्या में पांचवी बार दीपोत्सव मनाने की तैयारी में जुट चुकी है। इस बार का दीपोत्सव और भी भव्य और दिव्य मनाया जाएगा। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाओं के साथ साफ सुथरी अयोध्या दिखेगी, जिसके लिए नगर निगम ने भी तैयारियां तेज कर दी है। इतना ही नहीं, अयोध्या की मुख्य सड़कों के अलावा शहर की गलियां भी दीपोत्सव के लिए तैयार की जा रही हैं। नगर निगम दीपोत्सव के पहले अयोध्या की सौंदर्य को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। अयोध्या को उसकी गरिमा के अनुरूप विकसित करने के लिए जहां योगी सरकार ने तमाम योजनाएं चला रखी हैं, जो लगभग पूरी हो चुकी हैं या पूरी होने वाली हैं। यूपी के पीलीभीत में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी बुरी तरह से झुलस चुकी है। घटना सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के बड़ा गांव की है, जहां हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर खेत में गिर गया। इस दौरान खेत में काम कर रहे पति पत्नी करंट की चपेट में आ गए, जिससे पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।